जनरली ऐसा होता है कि इन्फ्लुएंसर्स ना अब नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं, बिकॉज अब ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे ना ग्रुप्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर की कम्युनिटीज होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, तो क्या हर दिन एक दूसरे को भी ट्रैक करते रहते हैं, हर दिन देखते हैं कि इनके पास इतने प्रोजेक्ट है, इनके पास इतनी ब्रांड है, दूसरे के पास इतनी है, मेरे पास क्यों नहीं है? तो यहाँ से सबसे ज्यादा कंपेरिजन आती है और इसके लिए लोग भागते हैं, भागते मतलब इस लेवल पे भागते हैं कि खुद का जो कैपेसिटी है ना उससे ज्यादा वो ब्रांड्स के पास जाते हैं और इतना सारा काम और स्ट्रेस ले जाते हैं, उसके साथ उनको बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है बिकॉज दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज देयर फैमिली टाइम, दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज फेस्टिवल, बिकॉज फेस्टिवल्स में भी वो उनके कैमरा चालू रखते हैं और इधर उधर देखते हैं कि ब्रांड मिल जाए तो मैं उससे ज्यादा ब्रांड पे काम करूँ, तो यहाँ पे उनका जो इंडिपेंडेंट टाइम होता है वो टाइम इशू हो जाता है, बच्चे होते हैं वो बच्चे पे ध्यान नहीं रहता है, इसके लिए फैमिलीज में इशू होता है, और उनका जो फैमिली टाइम होता है, हस्बैंड के साथ टाइम होता है या फिर वाइफ के साथ टाइम होता है, वो स्पेंड नहीं होता है बिकॉज उनके दिमाग में हमेशा ऐसा ही चलता है कि मेरे पास जितना है इतना मैं ब्रांड के पास जाऊँ, इतना सारा काम कर लूँ और मैं इस रेस में सबसे आगे निकल जाऊँ, बिकॉज दे आर ओनली फोकसिंग ऑन देयर नंबर्स। मोस्ट प्रोबेबली मैं जितने लोगों को जानती हूँ, मेरे पास जितने भी लोग हैं उसमें से 60% लोग इस रेस में उतर गए, बिकॉज हर दिन उठने से पहले वो देखते कि हम कितनी ब्रांड का मेरे पास काम आए, कितनी ब्रांड में जितना हो सके इतना मार्केट में आके ब्रांड ले लूँ और मेरे पास ये सब आ जाए और मैं सबसे आगे निकल जाऊँ, लोग मुझे ही देखे और मेरे पास ये सबसे ज़्यादा कॉन्टेंट हो। सो यही सबसे बड़ी रेस में लोग उतर गए हैं जिसमें दे हैव टू फेसिंग लॉट ऑफ मेंटल इश्यूज बिकॉज ऑफ उनको पता नहीं चलता है कैपेसिटी के बाहर का, वो काम लेने की दौड़ में निकल जाते, काम मिले ना मिले लेकिन स्ट्रेस वो जरूर लेते हैं। इसमें बाहर आराम से निकल सकते हैं बिकॉज ऑफ आपको पता होना चाहिए कि आप एक मंथली कैलेंडर बनाओ, कितनी ब्रांड को, कौन सी ब्रांड को और किस तरह से उनको पिच करना है, और उसके लिए आप टाइम स्लॉट निकालो, उसी का टाइम टेबल बना, उसके हिसाब से करो ताकि आपका बच्चा, आपका फैमिलीज, आपके इन लॉज, आपके पेरेंट्स, हस्बैंड या वाइफ, उनको आप टाइम दे पाओ, बिकॉज ऑफ 24 आर नॉट अ जॉब एज अ कंटेंट क्रिएटर कि हर एक्टिविटी आप पोस्ट करो और हर एक को कवर करो, आपका जो नीड्स है उसके हिसाब से आप प्रोजेक्ट्स लो, उसके हिसाब से आपका 100% दो ताकि आप जो बल्क के लिए जाते हो ना उससे अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सको और क्वालिटी कंटेंट भी बना सको। सो आपका हमेशा ना एक मैनेजमेंट होना चाहिए और आप उसी मैनेजमेंट और टाइम टेबल के हिसाब से काम करोगे तो जो रेस में उतर गए हो ना वो रेस में आप आगे जा सकते हो, बट विथ क्वालिटी कंटेंट। जो पूरी दुनिया को लाइमलाइट में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, वैसे इन्फ्लुएंसर के जीवन में जब स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन आता है, तो वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, घर में चिड़चिड़ करते हैं, ना बड़ों को ना बच्चों को अपना क्वालिटी टाइम देते हैं, वो कॉन्स्टेंट थॉट प्रोसेस में रहते हैं कि अगला एक्शन, अगला वीडियो लोगों को लुभाने वाला कौन सा होगा। उनके साथ उनकी साथ में कंपैरिजन ये रहते हैं कि जो जो काम वो कर रहे हैं उनके रियल लाइफ में कैसे एग्जीक्यूट करें, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छा घर, अच्छी कार, अच्छा फर्नीचर हर एक के जीवन की पहली ख्वाहिश होती है। लेकिन जब आप कॉन्स्टेंट ऐसे वीडियो बनाते हो तो ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास भी ये सारी चीज़ें हो, तो हमारे घर में जो डिससेटिस्फेक्शन बढ़ती है सोशलिज्म में रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, क्योंकि हम क्वालिटी टाइम उनके साथ ना बिताते हुए हम सिर्फ काम के बारे में सोचते हैं। और याद रखिए, हैप्पी हार्मोन यानी हमारी इनर एनर्जी कब बढ़ती है, जब हम अपने चाहते लोगों से मिले, हम मन पसंदीदा काम करें, राइट। तो हम जब तक सोशलिज्म नहीं करेंगे, अपने बच्चों के, अपने बड़ों के साथ या अपने दोस्तों के साथ वक्त नहीं बिताएंगे, तब तक हम खुश नहीं रहेंगे। और इन्फ्लुएंसिंग की दुनिया में कॉन्स्टेंट वीडियो बनाना, एडिट करना और पोस्ट करना और उनके नंबर्स देखते रहना, उसमें हम गुम जाते हैं और ये सारी चीज़ों से अलग हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इसके कारण हम लोनलीनेस और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, हमें कोई खाना पसंद नहीं आता, हमारे टेस्ट चले जाते हैं, हमारी रुचि दुविधा में पड़ जाती है, हम हंस से बात करना, हंस हंस के बात करना छोड़ देते हैं और हर चीज़ में सिर्फ और सिर्फ बड़कपन दिखता है या फिर कहते हैं प्राउड दिखता है। तो जब हमें ऐसा लगे कि हम कहीं ना कहीं बहुत लाइमलाइट में बढ़ रहे हैं और अपने आप को बहुत महान समझ रहे हैं, तो सोचना कि इनका अंत कहीं और है। याद रखें, खुशियां अपनों के साथ होती है, सपनों के साथ होती है और सभी की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, बारी बारी सब कुछ मिलेगा। तो डिप्रेशन का शिकार ना होए, इन्फ्लुएंसिंग करते करते खुद को खुद का इन्फ्लुएंसर ना बनाए। जीवन लंबा है, खुशियाँ मिलती रहेगी।